बोल सिमरन दीदी निकल गए। निकल गए की हुंदा ओए ओ आ रहा है नहीं बोल सकता। सिद्धू साहब दी सकी भैन कम ते चली है साला कहना निकल गए। पता नहीं केड़ी माड़ी घड़ी नु मैं इह जिहा नौकर रख लिया। सॉरी पाजी सिमरन दीदी आ रहे ने। तैनू भी अरी समझाया के मैनू पाजी ना कहा कर। प्रोफेसर साहब क्या कर जे मैनू पाजी कहण दा इन्ना ही शौक है ना फिर सिमरन नु दीदी कहण दी लोड़ नहीं। साला होर ही रिश्तियां दी मिक्स वेज बना के धर दंदा। समझ गया जी। की समझया यही भी आज तो कदे भी घरे मिक्स वेज नहीं बनानी। दुर फिटे मु तंदुरुस्त रखने लई रोज 6 किलोमीटर सैर करिया करो। ते जनाब दी क्लिनिक भी ता पूरे 6 किलोमीटर ही आ। असी ते सोच के थोनू रोज क्लिनिक तक छड्डन चले जाईदा शायद इसे बहाने दिल दी 6 किलोमीटर सैर हो जावे। सैर ना तुहाडी गड्डी दा पेट्रोल घट होना है तुहाडा कोलेस्ट्रॉल नहीं घटना। एदा करो तुसी किसी डॉक्टर नु दिखाओ। की गल तुसी डॉक्टर नहीं पैसे दे कैटेगरी लई आ। मैं दिल वाले डॉक्टर नु दिखाण दी गल कर रही हां। अच्छा कोई डॉक्टर दिल तो बगैर भी होंदा। तुसी भी सच्चे हो जे तुहाडा दिल हुंदा इन्ने झूठे लैण दे बावजूद हुण तक पिघलिया ना हुंदा। तुसी साडे किराएदार हो सिर्फ किराएदार बन के रहो। प्रोफेसर साहब एक गल मैं तुहानु क्लियर करदा प्लीज माइंड ना करना। आज लास्ट टाइम मैं तो अर्थो लिफ्ट ले रही हूँ। वैसे भी व्याह तो बाद कर रही हूँ नू लिफ्ट देंदा का होना। तू कहना मैंने क्लिनिक छड़ गया मैं कहना रिक्शा कर ला। आ जाओ हुण मैं लेट हो गई हूँ। लेट तुसी कल्ले ही नहीं लेट अपन दोनों ही बहुत हो गए। तुसी ना सुधरियो। सत श्री अकाल सिद्धू साहब। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पापी जी। सत श्री अकाल प्रोफेसर साहब। चंगा किता भुल्लर साहब तुसी आ गए। मैं तुहाडे नाल इक जरूरी गल करनी सी। जरूरी गल दसो। दसना की है भुल्लर साहब। जवान भैन घर च कुआरी बैठी होवे ते घरदिया नू नींद नहीं आउंदी। गल तां तुहाडी सही है जी कुड़ी जवान होवे नींद तां सारे महल्ले दी उड़ जांदी है। तुसी बिल्कुल ठीक किया भुल्लर साहब। धीआं भैणां तां सब दीआं सांझीआं हुंदीआं ने। हां जी तुहानू तां पता ही है कुआरी भैण दी जिम्मेवारी किन्नी वड्डी हुंदी है। बिल्कुल जे भैण वड्डी उम्र दी होवे फिर तां जिम्मेवारी होर भी वड्डी हो जांदी आ। पर जे कोई समझे तां। प्रोफेसर साहब तुहाडी यूनिवर्सिटी च कोई टीचर होवे ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਬੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੱਭੋਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਭੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀ ਸਲੇਟੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ 'ਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਟੀਚਰ ਨਾ ਸਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਲਬਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਤਾਂ ਫਰਮਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਗਿੱਲਾ ਪੀਣ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦ ਖੂਨ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁੜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤਾ। ਕਿਉਂ ਬੁੜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਕਿੱਡੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਿਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਟੱਕਰ ਜਵੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?